हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमित इन्फॉर्मेटिक ब्लॉग्स में। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम लोग एक आईटीआर फिल करेंगे जो कि हमारे एक कलीग्स है। काफ़ी उन्होंने फोर्स किया कि नहीं पहले आईटीआर फिल कर दीजिए, इसीलिए हम आईटीआर फिल करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर लॉगिन और रजिस्टर का दो ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि हम लॉगिन तरफ जाएंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी आईडी बना हुआ है। जिसका नहीं बना है वो रजिस्टर के थ्रू रजिस्टर अपने यूजर आईडी बना सकता है। उसके बाद सबसे पहले जैसे ही हमारा ये इंटरफेस खुल जाएगा, इसमें हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। यूज़र आईडी जो कि आपका पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड नंबर ही आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका प्रोफाइल खुलेगा। जैसे प्रोफाइल खुल जाएगा, प्रोफाइल खुलने के बाद आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही है कि नहीं। अगर सही है तो फिर फाइल नाउ पर क्लिक करके आप आगे की तरफ नेक्स्ट चलेंगे। उसके बाद हम असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो फिर हम स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके आईटीआर फॉर्म करना फिल करना शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है, जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स। हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद सबसे पहला काम हमारा यहाँ कि आईटीआर हमारा लिए कौन सा लागू है। हम आईटीआर 1 जा रहे हैं क्योंकि आईटीआर 1 सैलरी पर्सन के लिए है, आईटीआर 2, 3, 4 अदर पर्सन के लिए है, जिसके लिए दूसरे बिजनेस वगैरह भी है। उसके बाद से हम आईटीआर 1 के साथ जाना शुरू करेंगे और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे हमारे पर आंसर क्वेश्चन है, जिसमें हम अदर्स क्लिक करेंगे, अदर्स के साथ जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही हमारे पास न्यू इंटरफेस आएगा, जिसमें बहुत सारे डैशबोर्ड में आएगा इंटरफेस। जिसके बाद जैसे देख पा रहे हैं, हमें फॉर्म आजकल प्रीफिल फॉर्म 16 आ रहा है। जैसे ओके करेंगे तो आपका प्रीफिल फॉर्म 16 फिल हो जाता है, और कई कई केसों में ये मिसमैच भी होता है। तो यहाँ से हम अपना आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर किया हुआ है, उस वहाँ से हम इसे टैली कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हम ये चीज़ का वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा नाम, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, ये क्या ये सब सही है। सही है तो ठीक है, यहाँ पर इन केस में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के साथ जाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, ये है अभी न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंस। अगर हम यस करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाएंगे, अगर हम न्यू करेंगे नो करेंगे तो यहाँ न्यू टैक्स रिजिम के साथ हम फाइल फिलअप करेंगे, जो आपके लिए अप्लीकेबल है आप उसके थ्रू इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाना शुरू करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और कन्फर्म करेंगे, क्योंकि मेरे क्लाइंट के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम का ज़्यादा बेनिफिशियल था। इसके बाद से हम जैसे ग्रोस टोटल इनकम, जो कि आपकी आईटीआर भरने के लिए आपको फॉर्म 16 पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए आपको सारे इनकम मिल जाता है। उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमारे लिए ड्रेस अलाउंसेस 10,000 का इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद अगर आपने चिल्ड्रन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस जो भी लिया है आपने, वो आप फिल कर देंगे। जैसे 58,000 हमने लिया तो यहाँ फिल कर दिया। फिल करने अगर आपका हॉस्टल अलाउंस है या और भी अदर कुछ है तो आप यहाँ उसको फिल करिएगा। और यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं है और क्लेम नहीं है। इसके बाद हम आते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर आप हाउस रेंट अलाउंसेस ले रहे हैं तो आप हाउस रेंट अलाउंसेस एक 1 ईयर का जो भी आप फाइनेंशियल ईयर में आपने रिसीव किया है उसको यहाँ टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर अदर्स, अगर आपके पास अदर भी एग्जाम कुछ एग्जाम करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप यस करेंगे और जो भी आपके लिए अप्लीकेबल होगा उसको क्लिक करेंगे। मेरे क्लाइंट के केस में ऐसा नहीं था, तो इसलिए हमने नो करके कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास सेम वही डैशबोर्ड में सेम इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर ग्रोस टोटल सैलरी, जो हमारे पास जो इनकम होती है एक साल की, यहाँ पर दिखा रहा है 10,17,968। इस चीज़ को हम अपने आईटीआर जो भी फॉर्म 16 अब डाउनलोड किया उसे एक बार टैली कर लेंगे। टैली करने के बाद इसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारे 50,000 आज भी मिल जा रहा। मिलने के बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट आपने लिया है बैंक से, एफडी से, या फिर और भी जो भी स्टॉक, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से भी जो भी आपको इंटरेस्ट आता है, वो प्रीफिल आता है, उसको आपको टिक करके कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद से हम देख पा रहे हैं यहाँ हाउस रेंट में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने मतलब हाउस प्रॉपर्टी लोन ले रखा है किसी भी बैंक से, तो उसको हम पहले यहाँ फिल कर लेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम रिजिम 2 लाख तक ही कर सकते हैं, 2 लाख से ज़्यादा ये नहीं लगेगा। इसके लिए हम क्या जो भी हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके किया हुआ, खुद के लिए खरीदा हुआ है, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम 2 लाख
यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने को 2 लाख का हमारे पास रिज्यूम मिल जाएगा, जिससे कि हमारी टोटल इनकम 11 लाख से सीधा 9 लाख में आ जाएगी। ऐड करने के बाद हम थोड़ा देर वेट करेंगे, वेट करने के बाद नीचे देख पा रहे हैं हम 10,17,000 है। 10,17,000 से माइनस होकर जो भी आपका रिज्यूम है, अपने इनकम टैक्स जो भी मिला आपको 6,52,000 मिल गया। इसके बाद इस चीज़ को हम कंफर्म करेंगे कि क्या ये सही हमने एंट्री किया है नहीं किया। इसके लिए हम एक बार रीवेरीफाई करेंगे। अगर आपको इस केस में अगर आपने कहीं अलाउंसेस, आपको अदर अलाउंसेस मिला हुआ है, तो आप इनकम सैलरी में, इनकम में जाकर वहाँ से आप एडिट करके ऐड अनदर में क्लिक करेंगे, और जो भी आपको एक्स्ट्रा जो आपको अलाउंसेस मिली है उस अलाउंसेस का डिस्क्राइब करेंगे और एग्जेम्प्ट 3 बार लिख कर उस अमाउंट को इंटर कर देंगे। जैसे इन केस में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ऐड अनदर का एक ऑप्शन आ रहा है। ऐड अनदर के लिए हम सबसे पहले पता करेंगे क्लाइंट के, क्या उसने इस अपने फाइनेंशियल ईयर में कोई भी उसने लिया है कि नहीं। अगर नहीं लिया है तो हम स्किप करके आगे निकल जाएंगे। स्किप करके आगे निकलने के बाद फिर हमें डिडक्शन मिल जाएगी। बता रहा है क्या आप और भी कुछ डिडक्शन जो आपको किया होगा, क्या मेडिकल केसेस के लिए, या फिर कोई डिसेबिलिटी, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस आपने करा रखा है, या साइंटिफिक या रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने कुछ कर रखा है, तो भी आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद से जो भी आपने लाइफ इंश्योरेंस, प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड के लिए या टैक्स सेविंग कुछ फिक्स डिपोजिट किया है, तो आप यहाँ एंट्री करेंगे उसको। जैसे कि मेरे क्लाइंट ने कर रखा था, तो मैंने उन्हें सब पता करके जो भी उन्होंने उनका इंश्योरेंस प्रीमियम और पब्लिक PPF फंड, 5 ईयर टैक्स सेवर, जो भी मतलब फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं, म्यूचुअल फंड का भी इसमें जो भी आप करना चाहते हैं उस चीज़ को सेक्शन 80C में आप डालना चाहते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ डाल सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम रिज्यूम 1.5 लाख तक ही मिलता है, 1.5 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रोविडेंट फंड में हमने 80C के लिए 1 लाख रुपये डाला है। और यहाँ पर एक और केस पूछता है कि क्या आपने कोई हेल्थ चेकअप या मेडिकल केसेस, मेडिकल के लिए आपने कोई पैसा एक्सपेंडिचर किया है, या खुद मतलब सेल्फ, या फिर डिपेंडेंट्स, फैमिली, सीनियर सिटीजन जो भी आपके फादर मदर हैं उसके लिए आपने जो भी एक्सपेंडिचर उसका किया है आप यहाँ पर मेंशन करिए। हमारे केस में हमने अपने क्लाइंट से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि हाँ मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमने पैसे दिया है, और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू दिया हुआ है उस चीज़ को पता कर लेंगे। अगर है तो उस चीज़ को हम यहाँ फिल करेंगे, अगर नहीं है तो हम नो करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। आपने जितनी भी मेडिकल एक्सपेंस किया हुआ है आप उतना भर सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट में के केस में मेरा 1 लाख रुपए था, तो मैंने करने के बाद कंटिन्यू कर दिया और इस चीज़ को सेव कर दिया। इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक्सेस और एक्स्ट्रा अपने रिज्यूम से जो भी आपका क्लेम डाल दिए हैं, तो आपको वार्निंग लिख के आएगा। इसके लिए आपको फिर से दोबारा रीवेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं लेगा। 1.5 लाख से ज़्यादा आप करते हैं तो ये ITR फाइल रिटर्न नहीं होगा। इसके लिए आपको क्वारी आएगी, क्वारी को आपको फिर से दोबारा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो देना पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान जरूर रखेगी, आपको ATC के अंडर ओनली 1.5 लाख से ज़्यादा ही आपको नहीं रिबेट मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमारा क्लाइंट के टोटल डिडक्शन हमने 1 लाख डाला है। फिर यहाँ से हम जाके इस चीज़ को एक बार और दोबारा रीवेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमने सही डाला है या नहीं। अगर सही नहीं डाला है तो आप दोबारा सही डालिए और आगे बढ़िए। जैसा कि आप देख रहे हैं आपने जितने भी जिस प्रकार की जो भी आपने LTC लिया हो, लिव ट्रेवल अलाउंस लिया, एड्रेस अलाउंस लिया हो, हाउस सब्सिडी, ये सारी चीज़ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंडर ही मिलेगी। न्यू टैक्स में अगर आप रिजिम में करते हैं तो ये सब चीज़ें उसमें नहीं मिलेगी। उसमें ओनली फॉर आपको 7 लाख तक आपका जो भी इनकम है उस पर छूट है। उसके ऊपर जो भी आपको पैसा आपने अर्न किया है पूरे ईयर में वो टैक्स स्लैब के अंदर आ जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमने जो भी लोन के लिए 2 लाख रुपये डाल 2 लाख किया है, 2 लाख करने से मतलब 2 लाख का हमने इंटरेस्ट जो भी कैपिटल बोरो किया है, जो भी हमने खरीदा है उसके लिए इंटरेस्ट दिया है। इस चीज़ का रीवेरीफाई दोबारा करेंगे। इसके करने के लिए हम पहले क्लाइंट का फॉर्म 16 को चेक करेंगे। क्लाइंट के फॉर्म 16 में आप देख पा रहे हैं कि मतलब 57,000 इनका पैसा कटा हुआ है।
इसके लिए आपको हर एक सेक्शन में अलग मेडिकल चेकअप अलाउंसेस आफ्टर ट्वेल्व डिडक्शन हर एक चीज़ फॉर्म 16 में आपका दिया हुआ। फॉर्म 16 से एक बार देखें और उस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या हमने सही भरा है या नहीं। अगर गलत भरते हैं तो आपका ITR पैसा रिफंड नहीं होगा, इसके लिए आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी ITR भरे एक बार जरूर इस चीज़ का इंश्योर करें कि क्या जो चीज़ आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो करेक्ट है या नहीं। अगर नहीं करेक्ट है तो फिर इसके लिए आपको पेनल्टी देना भी पड़ सकता है, या फिर इससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा जो आपने फिल कर रखा है कि हमने मेडिकल चेकअप कराया है, या फिर जो भी इंश्योरेंस लिया उस इंश्योरेंस का आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर आपने जो भी होम लोन लिया है उसकी इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आपको बैंक से कलेक्ट करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ दोबारा रीवेरीफाई करना करेंगे। रीवेरीफाई करते समय नीचे की तरफ आएंगे, जो भी हमारे पास जो हमने एंटर किया था क्या वो सही है कि नहीं, सही करने पर जो भी हम एंटर चेक करते जाएंगे एक एक करके चेक करेंगे और कंफर्म करेंगे कि हमारे जो भी हमने चीज़ भरा है पूरा है क्या वो सही है, ठीक है। और इस केस में हम देखेंगे कि हमारे क्लाइंट ने बताया था कि उन्हें कुछ रिस्क अलाउंसेस भी मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में हमको मिला था, इसलिए हम उस रिस्क अलाउंसेस को हम पहले टाइप कर लेंगे और एक्सेम्प्ट करके तीन बार लिखेंगे ताकि वो अंडर ATC के अंडर एक्सेम्प्ट होता है। जो भी आपको अलाउंसेस मिला रहता है पूरे एक साल में उस चीज़ को आपको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद हमें तीन बार एग्जाम लिखेंगे। एग्जाम अंडर ATC भी लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको तीन बार एग्जाम लिखना है। वो अंडरस्टूड है, जो भी आप फॉर्म भिलेंगे उसे अंडर ATC के अंडर ही वो किया जाएगा। जैसे कि हमारे केस में इन्होंने क्लाइंट ने हमारा जो भी रिस्क अलाउंसेस उनको मिला था एक लाख के करीब उनको रिस्क अलाउंस मिला था, हमने एक इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे और कंफर्म करेंगे क्या हमारी सैलरी जो है इनकम एक साल की क्या टैक्स स्लैब के अंदर है कि नहीं है, हमारा कितना हमारे को और टैक्स पेड करना है नहीं करना है, इस चीज़ को कंफर्म करते ही रहेंगे। कंफर्म किए बिना सबमिट नहीं करेंगे। अगर आप सबमिट कर देते हैं, गलत सबमिट कर देते हैं तो दोबारा इसे रीसबमिट नहीं कर सकते, ना ही इसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, ना ही इसे चेंज कर सकते हैं, और ना ही दोबारा भर सकते हैं। इसीलिए जब भी फॉर्म फिलअप करें ज़रूर एक बार इसे कन्फर्म करें कि क्या आप भर रहे हो वो चीज़ सही है या नहीं। इसलिए हमने यहाँ पर एक चीज़ को दो बार तीन बार इस चीज़ को रिकन्फर्म करेंगे और वेरीफाई करते जाएंगे। कंफर्म करने को कंटिन्यू करने के बाद हम दोबारा ATCM डैश बोर्ड में आ जाएंगे, जहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्लस टोटल इनकम टैक्स जो भी हमारा टोटल डिडक्शन और टोटल टैक्स पेड। इस केस में हम देख पा रहे हैं हमारे क्लाइंट को 47,000 टैक्स पेड दिखा रहा है, जबकि फॉर्म 16 में 57,000 है। इस चीज़ को भी हम फॉर्म 16 से एक बार वेरीफाई करेंगे कि हमारा टोटल इनकम जो भी आपने पैन कार्ड दे रखा है उस पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी आपका फॉर्म 16 आया है क्या उसमें टैक्स पेड सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो दोबारा उस चीज़ को आप एडिट करेंगे और टोटल इनकम आपको दोबारा उसमें फिल करना पड़ेगा। जैसे मेरे क्लाइंट में हुआ है कि 47,000 इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट फॉर्म 16 में 57,000 दिखा रहा था, इसलिए हम फॉर्म 16 के थ्रू जाएंगे, जो कि जाएंगे यहाँ पर हम अपना जो भी क्लाइंट का हमारा पैन कार्ड नंबर है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब फॉर्म पैन कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें एडिट और डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो इसे हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हमें टोटल एनुअल इनकम जो क्लाइंट को रिसीव हुआ और टोटल हमने टैक्स कटा है उस चीज़ को हम दोबारा इसमें रिवेरीफाई करेंगे और एडिट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं एनुअल चार्जेबल अंडर सैलरीज जो कि गलत आ रहा है, और हमारे फॉर्म 16 में कुछ और ही है। फॉर्म 16 से एक बार हम इसको टैली करेंगे और दोबारा रीएंटर करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे क्लाइंट का जो टोटल इनकम है 9,67,968 दिखा रहा, जो ये चीज़ हमें इसमें इसको कट करके दोबारा उस चीज़ को टाइप करेंगे। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं 57,404 हमारा इनकम टैक्स भी कटा है, 57,404 इनकम टैक्स कटा है, जो कि हमारा 47,700
117 ही दिखा रहा है। इस चीज़ को हमें कैंसिल करेंगे, दोबारा इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, फॉर्म सिस्टम से टैली करेंगे ताकि गलती ना हो जाए। गलती होने से, एक बार गलती हो जाने से हम फिर दोबारा इसे मॉडिफाइड नहीं कर सकते, इसीलिए फॉर्म्स को सबमिट करने से पहले हर एक बार इस चीज़ को वेरीफाई करें और कंफर्म करें कि क्या भर रहे हैं वो सही है। उसके बाद से हमने इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोबारा सेम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद दोबारा हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि हमने जो एंट्री किया वो सही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी हम देख पा रहे हैं कि 57,000 ये दिखा रहा है, जो कि फॉर्म 16 के अगेंस्ट में है। फॉर्म 16 में जो हमारा दिया हुआ था सेम वही है। यहाँ से हम दोबारा टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से हम यहाँ पर कन्फर्म क्लिक करेंगे। कन्फर्म क्लिक करेंगे तो हमारा एक न्यू इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर हम देख जा रहे हैं सब ग्रीन टिक हो गया। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे इसको। जैसे हम प्रोसीड करेंगे, हमारे को यहाँ दिखाया गया कि कितना पैसा हमारे को मतलब रिफंडेबल है या नहीं। अगर पेनल्टी देना है तो पेनल्टी देना है, या फिर आपको पेड करना, एक्स्ट्रा पेड करना है, वो भी चीज़ आपको लिख के आएगा। इस चीज़ के लिए हम पहले इसे वैलिडेट करेंगे। यहाँ पर प्रोसीड में जाकर पहले प्रोसीड क्लिक करेंगे। प्रोसीड क्लिक करते ही जैसे हम प्रोसीड क्लिकेंगे, यहाँ एक नेक्स्ट इंटरफेस में लिख के ये आएगा कि कितने पैसा आपको रिफंड होगा या फिर नहीं होगा, जो भी है वो क्लेरिफाई हो जाएगा। इस चीज़ को देखकर ही आपको आगे सबमिट करना है फॉर्म को। जैसे कि देख पा रहे हैं न्यू इंटरफेस खुल गया है। यहाँ पर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, हम देख पा रहे हैं यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 57,400, जो कि हमारा पूरा का पूरा रिफंड हो गया है। रिफंड इस चीज़ के लिए हम, इसका मतलब ये है कि हमने जो फॉर्म 16 के देखकर हमने जो चीज़ भरा है बिल्कुल सही भरा है और हम अप्लीकेबल है फुल्ली रिफंड पैसे के लिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगा हो और समझना अच्छे से समझ लिया हो। अगर कोई भी फुल्ली रिटर्न कराना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम टाइप करें और हमें भेजें। धन्यवाद।